बाबा के कृपा ना भइल सजा भइल अच्छा बुझल बाबा के कृपा भइल कि पैसा आदमी अपन खेत बेच के और आदमी के दिलस हम तिसरैता बन के पैसा के दिवोले रहे। तो कुछ है ऐसा चीज कि जो चोरी कर कर ले गए थे? हाँ बाजा, बाजा। दिखाइए गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर की तरफ बाजा है, इसी बाजे को। आज सुबह का समय है, मैं खेत अपने घूमने आया हूँ और गाय जी देखने आया हूँ कि मेरा जो गेहूं का फसल है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पानी चलाने लायक हो गया है कि नहीं। सेकंड टाइप जो पानी चलता है गाय जी, यहाँ पर देखिए गाय पानी चलाने लायक हो गया है, मैं देख लिया हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये फसल अच्छी तरीका से निकल गया है और यहाँ पर बहुत फसल ऐसे है आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अच्छी तरीका से नहीं निकले हैं। गाय इसमें पूरा सेकेंड बार पानी चल जाएगा ना तो पूरा अच्छी तरीका से यह फसल निकल जाएगा। और गाय मेरा मटर का खेती है और गाय यहाँ पे देखिए मटर फरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, और मटर फरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। और इस समय देखिए गाय सरसों का मैं खेती किया हूँ, इस समय तेल बहुत महंगा था दोस्तों, इसीलिए मैं सरसों का खेती किया हूँ। आपको मालूम होगा कि 200 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल हो गया था। गाय ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिए, आज ब्लॉग में मजा आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको किसी टेम्पल का दर्शन करा दें, या मुझको भी घूमने का बहुत मन करा है किसी मंदिर पर, और गाइज मैं आपको उस मंदिर का सीन दिखाने वाला हूँ, बेहतरीन होगा। गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपको हमेशा गाइज गाड़ी की तरफ पहुँच आए हैं और गाड़ी में गाइज चाबी लगाते हैं और चाबी लगाने के बाद गाइज उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आपको कहाँ ले जाना है वहाँ तक आपका सीन दिखाएंगे वीडियो। गाइज तो देखिए यहाँ पर भट्ठे हैं जहाँ पर ईंट उद्योग होता है, आपको यहाँ पर ईंट आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का। और गाइज उसके बाद हम चल रहे हैं चंदा पास चट्टी पर, तो वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आ चुके हैं और उसके बाद इब्राहिम पट्टी चलेंगे। हम लोग जिला बलिया में एंट्री करने वाले हैं, फिलहाल मऊ और बलिया के बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ जिला बलिया में हम एंट्री कर चुके हैं। देखिए रिपोर्टिंग पुलिस चौकी इब्राहिम पट्टी थाना भेमपुरा जनपद बलिया का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड। गाइस इस समय फिलहाल हम पेट्रोल टंकी पर पहुँच चुके हैं इब्राहिम पट्टी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पहुँच गए हैं। गाइस यहाँ पर टंकी खोलते हैं अपने गाड़ी का और उसके बाद पेट्रोल फिल कराते हैं। टंकी फुल कर दो भाई। गाइज यहाँ पर मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा है, उसके बाद हम लोग टंकी फुल हो जाने के बाद गाइज यहाँ से चलेंगे। टंकी फुल हो गई है गाइज, यहाँ से चलते हैं। आपको इब्राहिम पट्टी का ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका ब्लॉगिंग आपको बनाकर दिखाऊंगा एक दिन। और गाइज चलते हैं फिलहाल अपने गंतव्य तक, जहाँ पर हमको पहुँचना है वहाँ का पहुँच का आपको सीन दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए गेट इब्राहिम पट्टी का बहुत ही बेहतरीन है, ऊपर तक है दोस्तों। इस पर गाड़ी चलाने में तो मज़ा आता है, यहाँ पर देखिए इतना ऊपर ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो मज़ा ही आएगा दोस्तों। फिलहाल इस पुल को देख लीजिए कितना बेहतरीन है गाइज, इस पुल का आपको हिस्ट्री है, मैं वहाँ पर जाकर पूछूंगा इस पुल के बारे में। गाइज मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हम गाड़ी स्टैंड पर खड़ा कर दिए हैं और उसके बाद मैं पूरा मंदिर का सीन दिखाऊंगा। एक मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और गाइज उस साइड जो मंदिर है यक्षशाला है, मैं आपको पूरा ए टू जेड सीन यहाँ का दिखाने वाला हूँ। गाइज इधर पोखरा आपको दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। गाइज हम लोग आज मज़ा लेकर पूरा ब्लॉग बनाएंगे और गाइज लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं गेट के तरफ से। फिलहाल हम असड़िया जो कि बलिया जिला में पड़ता है, मैं वहां पर आ चुका हूं और गाइज यहां पर जो गेट आपको दिखाई दे रहा है अभी बना नहीं है, बनने वाला है दोस्तों। दोनों तरफ से पिलर है, मैं अंदर जाकर आपको सीन दिखाता हूं पूरा। और आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा मंदिर है, पहले ही गेट के अंदर एंट्री करते हुए एक छोटा सा मंदिर है, इनका दर्शन करते हैं उसके बाद अंदर बड़ा मंदिर की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ का योगी वीर बाबा हैं। गाइज यहाँ पर हम जूता निकाल दे रहे हैं और गाइज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि शिव मंदिर है और निर्माण इसका हुआ था वर्ष 2001 में। आपको यहाँ पर भोले बाबा दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का सीन दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, यहाँ का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पर देखिए बेल आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे दिया होगा। गाइज आप भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा लिखिए। गाइज फिलहाल यहाँ से चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा का, उसके बाद गाइज आपको
दिखाई दे रहा होगा बहुत दूर तक है गाइज, वहां पर योगी वीर बाबा का मंदिर है गाइज। उस साइड भी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, उधर भी चलते हैं और वहां पर गाइज चलकर देखते हैं कि वो किस चीज का मंदिर है। और गाइज यहां का मैं बात करूं तो बहुत दिन हो गया, कई वर्ष हो गया था हमको आए हुए, और यहाँ का मैं आपको ए टू जेड है साधु जो हैं उनसे भी पूछेंगे जो महाराज जी कहलाते हैं कि यहाँ को मंदिर के बने हुए कितना वर्ष हो गया था, ए टू जेड आपको बताएंगे। गाइज इस साइड से चलते हैं। गाइज यह मंदिर जय माता जी का है, माँ शेरावाली का। और गाइज यहाँ पर बेल को बजाते हुए चल रहे हैं। गाइज यहाँ पर देखिए लॉक हुआ है, ताला मारा हुआ है। गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा माँ शेरावाली का, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। और गाइज फिलहाल यहाँ से चलते हैं, हम भी आशीर्वाद लेते हैं जय माँ शेरावाली। गाइज ये पोखरा आपको दिखाई दे रहा है कितना बेहतरीन है। गाइज इस पोखरे में आपको नहाने का मिलेगा तो आप नहा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में जो लिखने का मन करे वो लिखिए, कितना बेहतरीन आज का ब्लॉग है। और मैं आपको बहुत दूर दूर दोस्तों जाकर आपको सीन दिखाता हूँ सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए। गाइज आप यहाँ पर आइए तो घूमिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मंदिर है, देखिए यहाँ पर योगी वीर बाबा धाम असड़िया में है। गाइज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह मंदिर है छठ माता का। गाइज यहाँ पर आपको तो मैं आपको दिखा दिया हूँ कि ये पोखरा है, यहाँ पर बेदी बहुत सी बनी है और यहाँ पर गाइज आपको छठ माता का यह मंदिर है और छठ माता का मूर्त आपको दिखाई दे रहा है। छठ माता का दोस्तों आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूँ, जय छठ माता। और गाइज यहाँ पर बहुत ही लाजवाब मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जो मेन मंदिर है यहाँ पर योगी भी बाबा का दोस्तों वो तो और लाजवाब है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं यहाँ से चलते हैं। गाइज आपको दिखाई दे रहा है जिस तरह बेदी बनी है, गाइज हर चारों तरफ वैसा ही बेदी आपको बनी दिखाई देगी। इस साइड भी आपको दिखाई दे रही होगी। गाइज समझिए कि इस समय छठ के समय यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ रहता है दोस्तों। यहाँ का जो मेन मंदिर है यही मेन मंदिर है यहाँ का, और मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, आपको पूरा ए टू जेड सीन दिखाऊंगा, आपको मंदिर यहाँ का कैसा लग रहा है योगी वीर बाबा का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपना जूता को निकाल देते हैं और निकाल देने के बाद यहाँ पर चलेंगे। गाइज इस समय फिलहाल हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आपको योगी वीर बाबा का सीन दिखाने वाले हैं। यहाँ पर गाइज आपको बेल दिखाई दे रहा होगा कितना सारा बेल है, और गाइज बेल को यहाँ पर बजाकर मैं अंदर घुस रहा हूँ। गाइज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाइज आशीर्वाद लेकर, और चलते हैं फिलहाल अंदर। गाइज योगी वीर बाबा यही है आपको दिखाई दे रहा होगा, और गाइज अंदर हिलकर उसके बाद पूरा सीन आपको दिखाते हैं एक साइड से। गाइज इस साइड भी मूर्ति है आपको दिखाई दे रहा है, और फिलहाल इसके अंदर देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। गाइज इसमें लाइट भी लगी है आपको दिखाई दे रहा होगा ए टू जेड। गाइज यहाँ पर देखिए योगी वीर बाबा यही यहाँ के प्रसिद्ध हैं माने जाते हैं, और यहाँ पर देखिए बगल में जो सरनी कहलाती है वो भी है। और गाइज यहाँ पर देखिए मंदिर को धुलने के लिए यहाँ पर गाइज देखिए यहाँ पर बाल्टी में पानी है, और यहाँ पर गाइज दान पात्र है। गाइज दान पात्र में हम कुछ पैसे डाल देते हैं, एक सेकेंड गाइज। गाइज दान पात्र में हम पैसे डाल देते हैं, गाइज आपको यहाँ का सीन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आशीर्वाद ले लिया हूँ, आप भी योगी वीर बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, और फिलहाल चलते हैं यहाँ से और आपको ए टू जेड इनके बारे में पूछेंगे और आपको जवाब भी मिलेगा। गाइज देख लीजिए जो कि जिला बलिया में असड़िया गाँव पड़ता है, गाइज वहीं पर प्रसिद्ध हैं ये योगी वीर बाबा। आशीर्वाद भी ले लिया हूँ, उसके बाद चलते हैं गाइज बेल को यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा बेल है आपको दिखाई दे रहा होगा गाइज, यहाँ पर कितना बेहतरीन लग रहा है। गाइज चलते हैं फिलहाल साधु महात्मा के पास और वहाँ पर सवाल पूछूंगा, और गाइज फिलहाल वो जवाब देंगे, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। गाइज चल रहे हैं, आपको पीछे का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा गाइज कितना बेहतरीन लाजवाब मंदिर है। आप कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में। गाइज इस समय मैं मंदिर के साधु जी के पास जाता हूं और साधु महात्मा के आशीर्वाद लेता हूं, बुजुर्ग हैं और उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद महाराज जी जय
यहाँ पर महाराज जी का मैं आशीर्वाद ले लिया हूँ। बाबा आपको इस मंदिर पर कब से आए हैं? इस मंदिर पर हमारे को 5 साल से ज्यादा हो गया। तो आपका जो यहाँ पर गुरु थे उनका फोटो वोटो है शायद? हमारे गुरु जी का फोटो हाँ। दिखाइए, ये हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, श्री श्री 1008 श्री सत्यराम दास जी महाराज हैं जी। हाँ प्रणाम महाराज जी। फिलहाल यहाँ का हिस्ट्री आप जानते हैं कि नहीं? कितना साल ये मंदिर पुराना हो गया होगा? ये मंदिर तो हम लोगों के पूर्वज भी नहीं बताते हैं कि ये मंदिर कितना साल पुराना है। हाँ तो ऐसे लोग बताते हैं कि ये बाबा का कोई अंत नहीं है, बाबा का मंदिर कब से है। अच्छा, इस योगी वीर बाबा का कोई अंत नहीं है, कब से है? हाँ, योगी वीर बाबा का कोई अंत नहीं है, कितना पुराना है मंदिर बाबा का। अच्छा, है। तो मैं यहाँ पर जो बाबा आपको उतना पूरी जानकारी नहीं, यहाँ पर गांव के लोग हैं उनको तो पूरी मालूम होगी जानकारी। हाँ, गांव के लोग, गांव के लोग यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। मेरा ये वीडियो गाइज आप लोग जितना से ज्यादा वायरल कर सके। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कार्य है जो कि पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसको पूर्ण कराने का कोशिश किया जाए। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं अंकल जी से सवाल पूछ रहा हूँ। महाराज जी बता रहे हैं इस समय फिलहाल कि कोई अंत नहीं है, कब से हैं, कब से है। ये तो सही बात है। और मान लीजिए इसका कोई कारण यहाँ पर है कि ये मंदिर कैसे यहाँ पर बना? पहले तो ये मंदिर यहाँ पर सीमेंटेड नहीं होगा? नहीं, कच्चा था। कच्चा था। हाँ। और कैसे ये मंदिर यहाँ पर सीमेंटेड बना हुआ है? ठीका लिए थे, जो है कि पुल। हाँ, पुल का। हाँ गाइज आपको दिखा दिए, रास्ते में जो आते समय पुल दिखाई दे रहा था, नहर है, वही पुल है, आपको दिखा दिए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो पुल था वो ठेकेदार जो है कि यहाँ पर बैठा था, उसके पेटी पर जो है कि एक सर्फ आया और जो है कि घूम घूम करके चला गया, तो वही ठेकेदार ये मंदिर के बनवाया। अच्छा, इनका कहना है गाइस कि वो इस समय बरगद का पेड़ को, बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए थे, वहीं पर एक सांप आया जो स्नेक कहलाता है, और आया उनके पर लेटा। हाँ। उनके कहा कि मैं बाबा का मंदिर बनवाऊंगा, ये पुल बन जाएगा। हाँ। तो यहाँ का गाइस कहना है कि जो इस समय दोनों एक साथ कार्य शुरू हो रहा है। हाँ, दोनों एक ही साथ में। हाँ, उस साइड पुल बन रहा था और इस साइड बाबा का मंदिर बन रहा था, और खर्च वही दिया था मंदिर के लिए। अच्छा, जो आया था पुल बनाने के लिए वही खर्च मंदिर का दिया था। और फिलहाल इस समय वो पुल नहीं बन रहा था क्या? नहीं, पहले पुल नहीं था। हाँ, पुल नहीं था, पहले पुल नहीं था, और पुल बन नहीं रहा था, रुक नहीं रहा। हाँ, फंस जा रहा था, जमीन के अंदर में फंस जाता था। तो वो ठेकेदार जो है कि जब सपना देखा तो वही अपना जो है कि पूरा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। हाँ, दोनों एक ही साथ में। अच्छा, मंदिर और जो है कि सुना में आता है कि यहाँ से कोई चोरी कर ले जाता है तो वहाँ पर फिर वापस लेकर चलाता है। यहाँ पर कुछ है ऐसा चीज कि जो चोरी कर ले गए थे? हाँ, बाजा। दिखाइए गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर की तरफ बाजा है, इसी बाजे को। हाँ, चोरी कर ले गया था, फिर वापस कर दिया। वहाँ जब इनारे में गिरा दिया था तो जब उसको लेने गया चोर, तो सब अच्छा लोग नहीं मारे उसको, नहीं ले आकर के फिर जो है कि आपस यहाँ दिया। अच्छा, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, अभी तक जिंदा है? कहाँ का था वो? इस गांव के बगल में का था। तो गाइस देखिए, यहाँ पर बाजा आपको दिखाए हैं कि फिलहाल उसको वो बंदा ने उस बाजे को चोरी कर लिया था और बाबा के कृपा से फिर आकर रख दिया यहाँ पर, और बाबा के पैरों में गिरा, माफी वाफी मांगा उसके बाद। और यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य है कि जो बाबा के कृपा से हो जाता है? हाँ हाँ, गाय भैंस जो है कि नहीं लगेगी घर पर। हाँ। तो यहाँ आकर के बांध देने पर जो है कि लग जाती है। यहाँ पर सिर्फ गाय भैंस आकर बांध देंगे पेड़ में? किसी और दुहेंगे तो दुहा जाएगी? हाँ, दुहा जाएगी। अच्छा। अरे हम कम से कम एगो चीज के मानले रही है कम, अरे वो बहुत अचल संपत्ति रह लिया, अगर जो बाबा के कृपा ना भइल रही तो हमको सजा हो गई रही। अच्छा, बुझल, बाबा के कृपा भइल है कि पैसा आदमी अपन खेत बेच के और आदमी के दिलस हम तिसरैता बन के पैसा के दिवले रही। अच्छा, 10,000 के जरिए वो 40,000 रुपया आदमी दिया है बाबा के कृपा से जन बैठे की। अच्छा, वो देने वाला नहीं था, वो खेत बेच करके दिया है जन बेटे, आज अब उसी काम आज मन्नत आए हैं बाबा को प्रसादी चढ़ाने। अच्छा, बाबा को प्रसाद चला दी, चढ़ा दी, चढ़ाएंगे अभी। अच्छा, अभी बाबा को ये प्रसाद चढ़ाएंगे। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर जो है ईसुपुर पड़ता है, जो चन्ना पार से पश्चिम साइड में। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? मऊ जिले में पड़ेगा, यहाँ से 3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से आए हैं।
हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ का बाबा का यही कृपा है, आप सुन लिए यहाँ के लोगों से। गाइज मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ का जो वीडियो है इतना से ज्यादा वायरल करें कि नेता विधायक यहाँ से बहुत लोगों के पास जाए कि यहाँ का अपूर्ण जो कार्य है उसको पूर्ण करने का कोशिश करें। हाँ, जो यहाँ पर मन्नत मानेंगे बाबा उनके मन्नत को पूरा कर देते हैं। कोई भी चीज मान करके देख लीजिए बाबा की इनकी इतनी तपी भूम है ना कि कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा का इतना चलन शक्ति है कि कोई आदमी यहाँ से कोई गलत काम नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा। तो समझ लीजिए। तो गाइस मान करके देख लीजिए कि बाबा हमको यह चीज बना दीजिए, देखिए आपको पूरा होता है नहीं होता है। हम लोग बनावटी नहीं करे, सही का सही नहीं, ठीक है। तो गाइस हम भी बाबा से कुछ माने हुए हैं और हम फिलहाल बाबा मेरा जो कामना है पूर्ण कर देते हैं। तो बाबा को आकर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे, फिर से घर के लिए रवाना होंगे। गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं अगला ब्लॉग में।